फिल्मों में अच्छा गाना है, लाइव स्टेज पर जम के परफॉर्मेंस देना है और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना है, तो मुंबई फिल्म एकेडमी में आइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय कामत है। बेसिकली मैं म्यूज़िक कंपोज़र हूं और पिछले 20-25 सालों से मैं इंडस्ट्री में एज ए म्यूज़िक कंपोज़र काम कर रहा हूं। मेरे बहुत सारी टीवी सीरियल्स, एल्बम्स, एड्स और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे आते रहे हैं। मैं यहाँ पर प्लेबैक सिंगिंग एक्चुअल क्या होती है वो मैं सिखाता हूँ। मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो नॉर्मली सिंगिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक ही ऐसी जगह है मुंबई फिल्म एकेडमी कि जहाँ पर आपको प्लेबैक सिंगिंग का सही अर्थ सही मायने में सिखाया जाता है, और यही इनका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के लिए इन्होंने यहाँ पर मुझे अपॉइंट किया है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने के बाद हमारे स्टूडेंट्स इंडियन आइडल में जाके विनर बनते हैं, सुर क्षेत्र में जाकर विनर बनते हैं और बहुत सारी फिल्मों में गाने भी गा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली प्लेबैक सिंगिंग क्या है वो टेक्निक्स, वो ट्रिक्स यहाँ पर सिखाई जाती है। माइक्रोफोन प्लेसमेंट से लेकर लाइव स्टेज पर परफॉर्मेंस कैसे करें, प्लस माइक्रोफोन टेक्सचर्स, माइक्रोफोन के लिए अलग अलग टेक्सचर्स यूज किए जाते हैं क्योंकि अलग अलग जॉनर्स के गाने होते हैं। गाने के मामले में जब हम सुर की बात करते हैं तो उसी के साथ हम डिक्शंस की भी बात करते हैं। सिर्फ सुरों पे और एक्सप्रेशंस पे हम ध्यान नहीं देते, तो हम डिक्शंस पे भी ध्यान देते हैं। डिक्शंस का मतलब है कि आपके उच्चारण अगर सही है तो उसके मायने सही निकलते हैं। जैसे कि गम और गम दोनों में अंतर है। गम यानि चिपकाने वाली कोई पदार्थ और गम बोले तो दुख। तो ऐसे अगर सही उच्चारण के साथ अगर आप बोलें और गाएं तो ही आपका मायना सही निकलता है। फूल और फूल दोनों में फर्क है। फूल यानि मूर्ख और फूल यानि फूल। तो इस तरह से यहां पर हम डिक्शंस पे काम करते हैं, साथ साथ एक्सप्रेशंस, अलग अलग जॉनर्स के गाने अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ हम गवाते हैं। स्टेज कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर बहुत से लोगों को होता है, प्लस माइक्रोफोन फियर होता है जब वो स्टूडियो में काम करेंगे। तो हमारे यहाँ पर लाइव सेटअप है, माइक्रोफोन, यहाँ पर हमारा स्टूडियो है, यहाँ पर हम तरह तरह के गाने हम रिकॉर्ड करवाते हैं स्टूडेंट्स से। हम गाना गवा गवा कर यहाँ पर यूज्ड टू हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तब जाके हमारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनली मार्केट में जाके काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ मुंबई या किसी एक प्रांत से नहीं आते, सारे के सारे भारत से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। भारत के हर कोने से स्टूडेंट्स आते हैं और मैं तो कहूँगा कि भारत के बाहर के लोग भी, यूरोपियंस भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स रह चुके हैं और आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम सारे स्टूडेंट्स को लेकर काम करते हैं। दोस्तों, प्लेबैक सिंगिंग में खास करके जो इंडिया में बॉलीवुड म्यूजिक है उसमें सिर्फ इंडियन म्यूजिक काम नहीं करता, यहाँ पर ज्यादा पैमाने में वेस्टर्न म्यूजिक का ज्यादा इफेक्ट लगता है। यहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक का ज्यादा कल्चर हमारे म्यूजिक पर छाया हुआ है और पहले के जमाने से है, आज ही नहीं है। तो वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में हमारे यहाँ पर सिखाने वाले लोग बहुत कम है हमारे इंडिया में खास करके, लेकिन मुंबई फिल्म एकेडमी में मैं खुद वेस्टर्न म्यूजिक भी सिखाता हूँ। वेस्टर्न म्यूजिक इसका मतलब कुछ लोग जानते हैं कि सिर्फ कॉर्ड स्ट्रक्चर, कॉर्ड प्रोग्रेशन, कुछ नोट्स वगैरह इधर उधर, वो सब नहीं। इसके बावजूद भी बहुत सारी बातें होती हैं जो प्रैक्टिकली यहाँ पर सीखनी पड़ती है। फोर्सिटो से लेकर अलग अलग टोन्स, टोनल क्वालिटी, अलग अलग जॉनर्स, उसके साथ साथ म्यूजिकल एम्बियंस, वेस्टर्न म्यूजिक के अलग अलग जॉनर्स के म्यूजिकल एम्बियंस होते हैं, उनको भी समझना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें गाना पड़ता है। तो वॉइस टेक्सचर उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। एक्सेंट्स, वेस्टर्न एक्सेंट्स अलग है, वेस्टर्न एक्सेंट्स से लेकर हम हिंदी में अगर गाएं तो बात अलग बनती है। ये सब बातें हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से स्टूडेंट्स को पर्सनली सिखाते हैं और उनसे एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, तब जाके स्टूडेंट्स बनता है सिंगर प्रोफेशनल, और ये ही खूबी हमारी मुंबई फिल्म एकेडमी की है। दोस्तों, आप समझते हैं गाना गले में है और बहुत अच्छा सिंगर है तो उसके पास सारा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर पर्सनली एक बात पर ज़्यादा जोर देता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को फिजिकली कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए, क्योंकि जब उसका हाथ किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे कमांड के साथ चलता है उसके साथ उसको ये फील होता है कि म्यूजिक मेरे हाथों में है। और मेरा हमेशा स्लोगन रहा है, मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा सिखाता हूँ कि कर लो म्यूजिक मुट्ठी में। अगर मुट्ठी में आपकी म्यूजिक है
तो आपकी कमांड म्यूजिक पर रहती है। गले में अच्छा सुर है तो उससे म्यूजिक नहीं बनता, म्यूजिक आपके हाथों में भी होना चाहिए, आपके कीबोर्ड पे, आपके गिटार पे। अगर आपके अच्छे सुर आपके निकलते हैं और उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशन आप समझ पाते हैं, उसका आनंद आप ले सकते हैं, तो म्यूजिक आपके मुट्ठी में है। तो वो सारी बातें, ऑब्लिगेटोस की बातें, अलग 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 सुर, थर्ड फिफ्थ, ये सारी बातें यहाँ पर मैं सिखाता हूँ और लोगों से, स्टूडेंट से मैं एक्सपेरिमेंट्स करवाता हूँ। और बार बार करवाने से उनको पता चलता है कि ये होता क्या है, और तब जाके उनको समझ में आता है कि प्लेबैक सिंगिंग एग्जैक्टली क्या है। जीवन अपना सारा सनम हो, नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनी। सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ही राहे अब ले जाएंगे कहाँ। अखिया मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे, हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। आँखें तेरी सब बयां कर रही, परदेसियों को है एक दिन जाना, कि जब प्लेबैक सिंगिंग में कान में हेडफोन लगता है तो उस समय होता क्या है, कान में सिर्फ हारमोनी सुनाई देती है, कॉर्ड सुनाई देते हैं और पीछे बजने वाले कुछ म्यूजिक पीसेस और बहुत सारी रिदम के पैटर्न्स सुनाई देते हैं। तो रिदम के पैटर्न्स को भी कैसे एंजॉय किया जाए, ये सब बातें मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। तो इन बातों से स्टूडेंट्स बन बन के निखर निखर के बाहर आता है और उसके बाद वो प्लेबैक सिंगिंग में बिना डरे परफॉर्मेंस बहुत कड़क देता है। जैसे रिकॉर्डिंग सिस्टम और उसकी टर्मिनोलॉजीज, रिकॉर्डिंग के सारे सॉफ्टवेयर्स, उपकरण जो भी लगते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग सिस्टम में काम करते वक्त उसमें यूज करने वाले जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें यूज करने वाले जो टर्म्स हैं, उनको जानना जरूरी है। मैं ये सब सिखाता हूँ, मैं रिकॉर्डिस्ट एज ए रिकॉर्डिस्ट मेरे खुद के काम मैं खुद ही करता हूँ, इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ स्टूडेंट्स को सिखा सकता हूँ। तो रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ मेरे सिंगर्स भी जानते हैं, रिकॉर्डिंग्स के ट्रैक सिस्टम क्या है, रिकॉर्डिंग का मीडी फाइल क्या है, ये सब मेरे स्टूडेंट्स जो सिंगर हैं वो भी जानते हैं। मैं इस तरह से स्टूडेंट्स पे ध्यान देता हूँ। तो दोस्तों, फिल्मों में अच्छा गाना है, लाइव स्टेज पर जम के परफॉर्मेंस देना है और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना है तो मुंबई फिल्म अकेडमी में आइए। थैंक यू।